आज है सुबह कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी की और द्वारका सज रही है। आज रात 12 बजे बाल गोपाल का जन्म मनाया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए इसे जन्माष्टमी कहते हैं। पर्यटन पर आधारित द्वारका का जन्माष्टमी के दिन मंजर ही अलग होता है। देश विदेश से करीब 1.5 लाख लोग इकट्ठे होते हैं यहां। भक्तों के नयन तरस रहे हैं द्वारिकाधीश के अभिषेक स्नान के लिए। जो वर्ष में सिर्फ 2 ही बार दिखता है, जन्माष्टमी और ज्येष्ठ पूर्णिमा पर। द्वारिकाधीश का अभिषेक स्नान पंचामृत यानी 5 अमृत जैसे द्रव्यों से होता है और ये 5 हैं दही, घी, दूध, मधु और चीनी। ये 5ों द्रव्य अलग अलग गुणों के प्रतीक हैं। पंचामृत के अलावा श्रीकृष्ण को केसर और भारत के अलग अलग तीर्थ स्थलों से लाया गया जल भी चढ़ाया जाता है। जन्माष्टमी के अवसर पर इनका श्रृंगार और भी अद्भुत होता है। उनकी पोशाक द्वारका से 400 किलोमीटर दूर खास सूरत से बनकर आती है। छोटे से कान्हा को माखन और मिश्री से इतना प्रेम था कि वो दूसरों के घरों से माखन चुरा लेते, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। ये राधा रानी का लगाया हुआ प्रसाद है, मक्खन मिश्री का प्रसाद, बटर का प्रसाद है। 2 टाइम लगता है जन्माष्टमी के दिन खास, एक सुबह लगता है 6 बजे और जन्माष्टमी के दिन शाम को भी 6 बजे लगता है। बोल सिद्ध द्वारकाधीश भगवान की जय। जय द्वारकाधीश।